अब खाना बनता है, सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना लंच और रात के लिए डिनर। और बच्चों की पसंद से पूछते हैं, सुबह नाश्ते में ब्रेड जैम अंडे भी होते हैं, नान चने भी होते हैं, हलवा पूरी होती है, जो बच्चे कहते हैं वही नाश्ता होता है। खाना डेली बनता है, जो बच्चे राइस कहते हैं राइस भी बना लेते हैं, और चिकन कोफ्ते सब्जी, मतलब मिक्स मेन्यू है हमारा, और बहुत अच्छा खाना बच्चों की पसंद से बनाते हैं शाम को भी। के मुताबिक जो है ये यतीम बच्चियों को और बेसहारा माँ को संभाले हुए हैं। अब जाहिर है ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको हमें कफालत के साथ साथ देखना है, और ये कफालत का ही एक तसलसल है कि वो बच्चियाँ, वो खवातीन जिनका कोई भी नहीं रहा या जो अपने घरों में नहीं रह सकती, उनके लिए हमें इस इदारे के क़याम की ज़रूरत पेश आई और हमने बनाया। अब इनके खाने पीने के लिए, इनके लंगर के लिए, आपको पता है हमारा शोर दस्तखान भी होता है, जहाँ पर चाइल्ड लेबर और यहाँ जो फैक्ट्री में बूढ़ी खवातीन काम करती हैं वो आके यहाँ उनका खाना होता है। तो ये दोनों माँ घर का खाना और यहाँ का शोर दस्तरखान का लंगर, सिर्फ एक हमारे पास इसके डोनर हैं जो इसमें हमारे साथ मदद करते हैं, उनकी मदद से चल रहा है। लेकिन अब क्योंकि खर्चा बढ़ गया है, मैं देखती हूँ, मैं कई फैमिलीज को जानती हूँ जो महीने में एक दो दफ़ा बाहर खाने के लिए जाते हैं और 20-25 हज़ार एक दफ़ा में खर्च हो जाता है। तो अगर हमें 4 डोनर्स भी मिल जाते हैं इस तरह के, जो हमें इनके खाने में हेल्प कर देते हैं, तो हम इनको बेहतर खाना प्रोवाइड कर सकेंगे, हमें हाथ रोकना नहीं पड़ेगा, हाथ तंग नहीं करना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला को खाना खिलाना बड़ा पसंद है, अपने दस्तरखान में इन यतीम बच्चियों को, इन बेसहारा माओं को भी शेयर दे और इसमें अपना मंथली हिस्सा डालें, और इसमें जो हमारा माँ घर का लंगर है उसमें रेगुलर डोनर बने। जजाकल्लाह खैर।